हर गुजरते दिन के साथ सुबह शाम ठंडी होती जा रही है। धान के खेतों में धान का भूसा सुनहरा हो गया है और इन दिनों धान की फसल की कटाई जोरों पर है। खूबसूरत वादियों में किसान फसल को औजारों की मदद से काट रहे हैं। कश्मीर में धान की कटाई आमतौर पर सितंबर में शुरू होती है और अक्टूबर के आखिर तक चलती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शफी भट्ट से, जो धान की खेती करते हैं। प्रोसेस हमें स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। थोड़ा ये जो ये अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है, यहाँ पर तरह तरह के जो हमारे धान का फसल है, कहीं जगह पर 10 दिन पहले तैयार होता है, कहीं जगह पर 10 दिन बाद में तैयार होता है। अगर हम ऊपर वाले की बात करेंगे, जहाँ ऊपर से जाएंगे, ये जो कंटूर जैसे कहते हैं कि कंटूर एरिया, ऊपर एरिया है सर, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत और 10 दिन इसको लगेंगे सर। ये खुशी का मौका होता है, खुशी के दिन होते हैं, जो ये हम हार्वेस्ट का दिन होता है, शादी काटे का दिन होते हैं। हम इसको ईद की चांद की तरह देखते हैं। कब आएगा उस टाइम, यानी कि 20 सितंबर से हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है सर। उस टाइम से आज तक, यानी कि इसमें पहले ये काटते हैं, 2-3 दिन रखते हैं सूखने के लिए, धूप में रखते हैं, आफ्टर 2 डेज हम इसको करते हैं कि फिर बांधते हैं। ये दराती है ना सर, ये हम इस्तेमाल इसमें करते हैं और इसी से हम ये काटते हैं। इसमें मतलब ये 2-3 कुनाल है ना, हम 4-5 आदमी इसमें लगेगा, मानो पौना दिन लगेगा इसमें। इसमें प्रोसेस होता ये है कि हम बस जब काटते हैं, अब 2 दिन इसको इसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने काटा। इधर देखो, अगर इधर आप देख रहे हैं, ये तो हमने काट के रखा है, अब 2 दिन से हम काट रहे हैं। आज शाम को हम बांध लेंगे इसको, फिर और 1 दिन इसको रखेंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद हम इसको कश्मीर में हम इसको गुन्नी कहते हैं, यानी कि एक भंडार बनाया जाए, भंडार जैसा बनाते हैं, फिर इसको रखते हैं 10-15 दिन तक रखेंगे। जो ये शाली है ना, ये ऐसा वैसा शाली है जो ना, इसमें नीला भी शाली होता है, ये कहते हैं कि नीला वाला है, आधा हुआ है, ये इसमें पक जाता है फिर 15 दिन के बाद। फिर 15 दिन के बाद हम इसकी वो कुटाई शुरू करते हैं। हमें पंचायत की भी यहाँ पर मशीन दिए हैं, पंचायत से भी मशीन है यहाँ पर है, और कोई पंचायत का मशीन से करते हैं या कोई वो तो कश्मीर, हम कश्मीरी से, हम कश्मीरी तरीके तौर तरीके से जो पिछले हमारे बाप दादा करते आए हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर हम कूटते हैं सारी से। आपको बता दें कि कश्मीर में मुख्य भोजन चावल है। कश्मीर में चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। वर्तमान में करीब 1,29,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। कश्मीरी चावल अपने जायके के लिए मशहूर है, क्योंकि इस फसल की खेती साल में एक बार की जाती है। ये खेत भी वाला शाली का खेत था, इसे इसमें दरख्त लगाया। ये जो है ना, हमारे जो यहाँ के हमारे पुरुष यहाँ पर थे, यानी हमारे ग्रेट सेंट ऑफ कश्मीर हम इसको कह सकेंगे, शेखुल आलम, उसने हमें कहा था कि फूल चंदन पिए काटून थोज डूंग, अगर चंदन पिए काटून थोज डूंग रुज। अगर हमने क्या किया, हमने इसके अवज इसमें दरख्त लगाए, पेड़ लगाए सेब के, इसमें वो फल नहीं आता है। इस ये जो अभी जिसमें खेदान आता था, इसमें हमने ये जो सेब के दरख्त लगाए, इसमें फल अब आता नहीं, सेब नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ यही आता दान आता है। तो लोगों ने इसलिए भी निकाले हैं इसमें, क्योंकि जब इसने धोखा दिया 20 सालों से, अब ये बाग बन गया, इसमें से 20 सालों में इसमें 20,000 रुपया नहीं आया, मतलब क्या रखना है ये। इसलिए आप लोग जो प्रेफरेंस देते हैं सिर्फ शाली को, आप जहाँ पर शाली उगेगी वहाँ पर शाली ला करते हैं, क्योंकि खाना सब ये भी बेचना है, कहीं पर बेचना सिर्फ खाने के चावल के लिए, मतलब जब चावल ही बन गया घर में तो इसको क्या करना है सर। इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस लोग अब करते हैं कि वो शाली ज़्यादा उगाना चाहते हैं। मोहम्मद शफी ने DNN24 से बात करते हुए बताया कि SR 3, 4 और 5 नई बीज किस्मों की मदद से धान की फसल की क्वालिटी और तादाद में इजाफा हुआ है। हमें ईद और दिवाली की तरह इस फसल की खुशी होती है। इस साल धान की फसल का उत्पादन पिछले साल की तुलना में प्रति हेक्टेयर बढ़ा है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।